बिहार के मधुबनी में मंगलवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। दरअसल जिले के लौकी थाना स्थित कौरियाई गांव के खेत में आसमान से 15 किलोग्राम का पत्थर गिरा। पत्थर गिरने की आवाज़ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। माना जा रहा है कि अब पत्थर किसी दूसरे ग्रह का टुकड़ा हो सकता है। प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसकी जाँच की बात भी चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पत्थर को देखा और काफ़ी हैरान हुए। सीएम नीतीश कुमार इस पत्थर को खुद अपने हाथों से उठाकर देखे। सीएम ने इसे पटना के बिहार संग्रहालय में रखने की बात कही है। ग्रामीणों की माने तो खेत में आसमान से तेज आवाज के साथ एक पत्थर गिरा था और राम इकबाल मंडल के खेत में कुछ फीट नीचे धस गया। यह दावा है कि पत्थर गिरने वाली जगह पर कुछ पल के लिए सफ़ेद धुआं देखा गया। पत्थर धसने वाली जगह तत्काल गर्म पाई गई थी। इस अजीबोगरीब घटना से आश्चर्यचकित प्रत्यक्षदर्शियों में सुभाष कुमार, प्रदीप कुमार सहित कई लोगों ने तत्काल पत्थर धसने वाली जगह पर खुदाई कर उक्त पत्थर को बाहर निकाला। इस घटना की जानकारी मिलते ही पत्थर को देखने के लिए आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ जुटने लगी। खेत से पत्थर निकालने वालों ने उसका वजन तकरीबन 15 किलो तक होने का अनुमान किया है। लोगों की माने तो आसमान से पत्थर गिरने के साथ तेज आवाज करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दी थी। लोगों ने बताया कि उक्त पत्थर चुंबकीय गुण का है। पत्थर के निकट लोहा आते ही वो उसे अपनी ओर खींच लेता था। भूगोलवेत्ता के अनुसार यह घटना उल्कापिंड गिरने की घटना हो सकती है। स्थानीय रामकृष्ण महाविद्यालय के भूगोल विभाग के अतिथि शिक्षक प्रोफेसर अमित कुमार ने संबंध में कहा कि उल्कापिंड ग्रह के टुकड़े होते हैं तथा यह स्वतंत्र अवस्था में ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। उल्कापिंड ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद होते हैं तथा यह घूमते घूमते कभी भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं एवं तेजी से पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। आमतौर पर वायुमंडलीय घर्षण से ये आसमान में ही जलकर राख हो जाते हैं। कभी कभी ये बड़े आकार में पृथ्वी पर गिरने के समय पूरी तरीके से जल नहीं पाते एवं बचा हुआ भाग पृथ्वी पर गिर जाता है। सर, एक पत्थर गिरने की बात बताया जा रहा है, कुछ पिंड का टुकड़ा वगैरह है क्या? लौकी प्रखंड हमारे फुलपरास अनुमंडल में आता है, जो हमारे ईस्टर्न मोस्ट अनुमंडल है। वहाँ पे कोरियाही गांव है लौकी में, वहाँ पे किसानों के द्वारा एक सूचना दी गई है कि वहाँ पे एक ऐसा पत्थर मिला है कि जो संभवतः है उल्कापिंड है, और उस वो जो टुकड़ा है उन्होंने सर्कल ऑफिसर के यहाँ ऑफिस में जो है जमा कर दिया है। उसमें लोह चुंबकीय गुण है उनके द्वारा कहा जा रहा है, तो इसको प्रशासनिक सतर्कता के तौर पे जो है लौकी सर्कल ऑफिसर को निर्देश दिया गया है कि उसको जिला जो हमारा कोषागार है, ट्रेजरी ऑफिस है, वहाँ पर जमा करे। आज शाम तक जो है उनके द्वारा ये यहाँ पे जमा किया जाएगा। तदुपरांत जो है इसको जो है रिसर्च के लिए संबंधित विभाग को हम भेज देंगे।